सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर आप कैसे लिंक कर सकते हो साल 2023 में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए तो दोस्तों आप 2023 में आप अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर आप कैसे लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको तरीका बताएंगे ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों अगर आपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक करने के आप चक्कर काट रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। इस वीडियो की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है एंड अपने आधार कार्ड पर आप बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे भी आपको इसी तरह का यूजफुल एंड जेन्युइन कंटेंट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस पेज पर आ जाना होगा। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना, इस पेज का लिंक आपको हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप फाइनली आप इस पेज पर आ सकते हैं एंड इस पेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हो इंडियन रेसिडेंट एंड नॉन इंडियन रेसिडेंट। तो दोस्तों अगर आप इंडिया से है तो आपके पे इंडियन रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आपके पे नॉन इंडियन रेसिडेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड नीचे आपके पे एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है एंड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको सेम टू सेम इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है एंड कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड सेंड ओटीपी में क्लिक करते हैं आप जो भी मोबाइल नंबर अभी डाले हैं उसमें आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि देख सकते हो मेरा ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को आपके पे नीचे फिल कर देना है एंड ओटीपी फिल करने के बाद आपके पे सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू एनरोलमेंट एंड अपडेट आधार। तो दोस्तों अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में अपडेट आधार, तो आपको यहाँ पे अपडेट आधार वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अपडेट आधार में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट। तो दोस्तों अगर आपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के आप अपडेट करना चाहते हो, चाहे नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो और अपने डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो, तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपने आधार कार्ड में नेम डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे गार्जियन का डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो गार्जियन रिलेशनशिप प्रूफ हैज़ अपडेट HOF। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी डेट ऑफ बर्थ या तो कोई भी करेक्शन करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं तो आपके पे इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे बताने वाला है कि मैं अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए पे डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है आपको यहाँ पे फिल कर देना है एंड आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है एंड आपको पे नीचे आ जाना है एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक। तो आप यहाँ पे जो इन सब चीज़ जो है अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी करेक्शन करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं इस वीडियो में बताऊँगा मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट कर सकते हो, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर दे। आप अगर डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन करना चाहते हो तो नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर दे। उसके बाद आपके यहाँ पे नीचे आकर आपके यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आधार नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा एंड आप यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है एंड ओके में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सेव एंड प्रोसीड, तो आपके यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा एंड लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इस खाली बॉक्स में टिक कर देना है एंड नीचे आपके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है एंड सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लगेगा एंड लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड रिसिप्ट। तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन अभी क्रिएट हुआ है उसका डाउनलोड रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो योर अपॉइंटमेंट आईडी, तो आपको यहाँ पे इस आईडी को यहाँ पे नोट कर लेना या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बुक अपॉइंटमेंट, तो आपके यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस सर्च, तो आपके यहाँ पे एडवांस सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड एडवांस सर्च में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च बाय सेंटर नेम, तो आपके यहाँ पे एक आधार सेंटर सर्च कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पिन कोड से भी आप यहाँ पे आधार सेंटर सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस एंड विलेज, टाउन, सिटी, ये सब फिल करके भी आप यहाँ पे आधार सेंटर सर्च कर सकते हो।
तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आधार सेंटर सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे पिन कोड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपने आधार सेंटर सर्च कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देते हैं एंड पिन कोड डालने के बाद आपके यहाँ पे गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, उसके बाद आपके यहाँ पे गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना। गेट डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा सामने यहाँ पे आधार सेंटर आ चुका है जो कि आप देख सकते हो CSC आधार केंद्र रांची। तो अगर आप इस आधार सेंटर को मैप के थ्रू देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू ऑन मैप, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर का डेट देख रहे हैं ये सब डेट जो है खाली है। आप इस डेट को जाके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पे कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस डेट को आप खाली है उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको उस डेट को अपने आधार सेंटर जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 तारीख सेलेक्ट कर दे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम भी सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइम में आप जाके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक टाइम को सिलेक्ट कर लेने, आप जिस टाइम फ्री हो, जिस टाइम आप फ्री रहते हैं उसी टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे 2 बजे टाइम को सिलेक्ट कर दे। उसके बाद आपके यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड नीचे आने के बाद आपके यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड सबमिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट टू बी पेड। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए अपने 50 रुपये पेमेंट करना होता है, यहाँ पे 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों आपके पे पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कन्फर्म, तो आपके पे कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड कन्फर्म वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड ओपन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपना नेम एंड अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो QR कोड एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपने आधार सेंटर का नाम भी यहाँ पे शो हो गया है। तो दोस्तों आप जिस डेट को आप बुक अपॉइंटमेंट किए, जिस डेट को आप बुक किए उस डेट को जाके आपको इस रिसिप्ट को दिखाना होगा उस आधार सेंटर में एंड रिसिप्ट को दिखाकर आप अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको घूमने की कोई भी जरूरत नहीं, आप जिस डेट को जाओगे उसी डेट को आप अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो, आपको कोई भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है यार। तो प्लीज लाइक करेगा एंड इस वीडियो को आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करेगा। चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, आगे भी आपको इसी तरह का यूजफुल कंटेंट एंड आधार कार्ड से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिलते रहेगी। दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।